हाय दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ ना यार, वो किसी स्टडी टिप से या फिर किसी स्टडी हैक से रिलेटेड नहीं होने वाली। ये बातें होने वाली हैं यार एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन एज अ बड़ा भाई। मतलब अगर आप में, मैं आप सबको यार अपना छोटा भाई बहन मानता हूँ, और अब मुझे लगता है ना यार कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता दूँ। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। फाइनली एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। एग्ज़ाम यार वो टाइम होता है ना जिसका वेट किसी को नहीं होता, बट पता होता है कि वो आना ही आना है। इसे कहते हैं इनएविटेबल कंडीशन। हमेशा मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से मैं बातें करता हूँ कि भाई मौज मस्ती करते रहो, पढ़ाई मौज मस्ती में करो, बट ट्रस्ट मी, आज मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई ज़रूर मौज मस्ती में करो, बट जब एग्ज़ाम आए तो जितना हो सके सीरियस हो जाओ, क्योंकि लाइफ ऐसे ही काम करती है यार। अगर आप लाइफ में हर समय मौज मस्ती, शॉर्ट्स, रील चल रही हैं, तो कब तक करोगे। एक टाइम आएगा कि आपको उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वेट कर रहे हो कि एक दिन कुछ ऐसा होगा, मैं कोई ऐसी YouTube वीडियो देख लूंगा कि एकदम से मेरा पढ़ाई का मन करने लग जाएगा, तो ट्रस्ट मी यार, ऐसी कोई वीडियो नहीं होने वाली। ये वीडियो भी ऐसी नहीं होने वाली कि जिसके बाद तुम अगले 7-8 दिन तक पढ़ते ही रहोगे। मे बी तुम आधे घंटे पढ़ो, मे बी तुम 1 घंटे पढ़ो, बट उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे पूरे खानदान में किसी ने ना किया हो, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे खुद से एक्सपेक्टेड ना हो, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। कभी सोच के देखो यार, एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि जब तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे कि तुमने इतने मार्क्स स्कोर करे हैं, उनको कैसा फील होगा। सोचो तुम्हारे स्कूल में उनको बुलाया जाए, वो रिस्पेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स के आंखों में जब तुम्हारे लिए आएगी ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कैसी फीलिंग होती है यार। तो किस चीज का वेट है, किस चीज के लिए रुके हैं हम, और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक बस अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम कोसते रहेंगे कि मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, घर में माहौल नहीं है पढ़ाई का, मेरे पास ट्यूशन नहीं है, पापा ट्यूशन की फीस नहीं दे रहे, एक्स वाई जेड रीजंस कभी खत्म नहीं होने वाले यार लाइफ के। सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, कौन कह रहा है नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि उस रिजल्ट से किसी को मतलब नहीं है यार, बट उस रिजल्ट से जो तुम मेहनत करना सीखोगे ना यार, जो तुम स्ट्रगल, वो एफर्ट्स करना सीखोगे लाइफ में, उसी की वैल्यू है। वो ही सीखना है तुम्हें, वही तुम्हें आगे जाके सक्सेसफुल बनाएगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप लाइफ में आगे की मैं यार यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं यार ये बन जाऊंगा, बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, पढ़ाई सबसे आसान तरीकों में से एक है सक्सेसफुल होने की। यूट्यूब, एक्टर बनना, ये चीज़ें लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मगर फिर भी वो एक इंसान होता है, लाखों में 100 लोग होते हैं जो आपको नज़र आते हैं, और वो बाकी के जो हजारों लाखों लोग बचे हैं ना, वो ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करके चले जाते हैं। ये फैक्ट है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना ही पड़ेगा। अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई का मन किसी का नहीं करता है यार। मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ, बट आज तक मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि यार चलो पढ़ाई का मन कर रहा है, एकदम से बैठ जाता हूँ पढ़ने। नहीं, पढ़ाई का कभी मन नहीं करता। पढ़ाई एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें खुद से एफर्ट देके करनी पड़ती है, और तभी हमारे अंदर एक विल पावर क्रिएट होती है, तभी हमारा जो माइंड है वो शार्प होता है, और यही जो स्किल है जो आप गेन कर रहे हो पढ़ाई करके, यही आपको लाइफ में आगे जाके काम आती है, समझ रहे हो। वो पढ़ाई में भी बचपन, कितने लोग बड़े होकर बोलते हैं कि यार बचपन में हमने पढ़ाई करी, किसी काम नहीं आई। ऑफ कोर्स नहीं आई, बट पढ़ाई करके जो तुमने मेहनत करना सीखा, वो काम नहीं आया क्या? आया ना, वो ही काम आना है। जब मैं याद करता हूँ यार, मैं अपने बोर्ड एग्जाम के दिन को याद करता हूँ, मैं रात में 1-2 बजे तक पढ़ता था, मुझे लगता था यार कितनी मेहनत हो रही है, दिमाग फट गया, इतनी मेहनत, बाप रे। अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हर 3 महीने में बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन होती है हमारी, जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं तो लगे पड़े हैं बोर्ड एग्जाम्स के, जितनी मेहनत कर रहे हैं, और कोई वैल्यू ही नहीं है अब उस मेहनत की। क्यों? क्योंकि इतनी आसान हो गई, तब करके वो अपने माइंड को हैबिचुअल बना लिया कि आज के टाइम पे वो आसान लग रही है। सो ये सीखते हो यार एग्जाम देके तुम, तो एग्जाम से भागो मत, एग्जाम से डरो मत, क्योंकि रिजल्ट की चिंता आपकी नहीं है, बट एफर्ट्स की चिंता आपकी ही है, और जब तक तुम एफर्ट्स नहीं करोगे ना यार, तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये प्रॉमिस है यार। तुम सोच रहे हो तुम यूट्यूबर बन जाओगे बिना एफर्ट्स करे, तुम सामने रखी किताब में 4 वर्ड्स पढ़ने में तुम बोर हो जा रहे हो, तुम्हें पता है यूट्यूब
एक्टर बनना या ये वो खेलना कूदना, तो मैं लगता है यार कि आपको ना बड़ा मजा आता है इन चीजों में, मैं ना वही करूंगा यार लाइफ में जो मुझे करने में मजा आता है। मेरे को अलग अलग यूट्यूबर सिखाते हैं कि वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, काम मजा लगने लग जाए, पैशन बन जाए। द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ इज यार कि काम कभी आपका पैशन नहीं बनेगा, और अगर वो आपका पैशन है फिर भी आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आपको काम फील हो। ट्रस्ट मी, एक सिंपल सी चीज सोचो यार, अगर एक ग्रुप ऑफ थिएटर है, थिएटर का एक ग्रुप है जहाँ सब एक्टिंग करते हैं, सबका पैशन है एक्टिंग करना, मजा आ रहा है सब, बट सिर्फ कोई एक बंदा है जो हीरो बनता आगे जाके, क्यों? क्योंकि उसने अपने पैशन से ऊपर उठ के मेहनत भी करी, एफर्ट्स भी दिए, जो उसको बोरिंग लग रहा था फिर भी उसने करा। ये वो चीज है जो आपको आगे लेके जाती है, समझ रहे हो? आपको रगड़ना पड़ेगा भाई, आपको रगड़ना पड़ेगा रूम बंद करके। आपको मतलब नहीं है दुनिया से, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या चल रहा है, आपको मतलब ही नहीं है। जब तक उस फेज में नहीं आओगे तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे एग्जाम के लिए। तुम्हें उस फेज में आना पड़ेगा कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, मेरे दोस्त कॉल कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं, किससे मतलब है, मेरे एग्जाम से किससे मतलब है, मेरे सिलेबस से, दैट्स इट, और मुझे दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है इस समय। ये लेवल का जब कॉन्सेंट्रेशन तुम लाओगे ना तब पढ़ पाओगे। तुम कहोगे मेरा पढ़ने का मन नहीं करता भैया, मतलब ऐसा नहीं है मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं पढ़ता हूं तो हो भी जाता है बट मन नहीं कर रहा, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला जो एकदम से आके तुम्हें पढ़ाई में बैठा ले। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बैठा पाए, मैं यहां बैठा यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर कैसे कर सकता है यार। सो ये है सारा गेम। जब तक इससे लड़ना नहीं सीखोगे तब तक तुम कुछ करना नहीं सीखोगे। क्या बोला मैंने? जब तक इससे लड़ना नहीं सीखोगे तब तक कुछ करना नहीं सीखोगे, और ये रियलिटी है। तो उठना तुम्हें ही पड़ेगा, अंदर से वो कॉलिंग तुम्हें ही आनी पड़ेगी। पता है यार, हर खानदान में वो एक बंदा होता है, वो एक बंदा जब रगड़ के मेहनत करता है ना यार, वो पूरे खानदान को पलट के रख देता है। तुम्हें बनना है, समझ रहे हो? सो किसका इंतजार है, उठो लड़ो और जीतो।